हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार तज्ञ, सेक्स रोग तज्ञ, सम्मोहन विशेषज्ञ, नशा मुक्ति तज्ञ, NLP ट्रेनर और कोच हूँ। मैं बताने वाला हूँ कि रोज के जीवन में कुछ लोगों को गलती करने का डर लगता है। वो अपने आप को इतना कम समझते हैं, इन्फीरियर समझते हैं, उनको लगता है कि अपने में कुछ तो भी कमी है, और वो छोटी छोटी बात के ऊपर वो उनको डर लगता है कि वो मिस्टेक गलती करेंगे, और गलती करेंगे तो फिर वो अच्छा नहीं होगा, फिर लोग क्या कहेंगे, लोग बुरा बोलेंगे, फिर वो काम करने के लिए वो डेयरिंग ही करते नहीं। गलती करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलती तो हर व्यक्ति कर सकता है, गलती करने से ही हम सीखते हैं। मगर प्रॉब्लम क्या है कि ये लोग गलती तो करेंगे इसलिए मतलब डरते हैं और काम करते नहीं है, मगर उसके नीचे उसके अंदर जो सोर्स है इसका, वो सोर्स हमें देखना बहुत जरूरी है कि ऐसा होता क्यों है। देखो, इनको डर है कि समझो कंप्यूटर नहीं आता, इसका डर हो सकता है, मुझे कंप्यूटर नहीं आता, या मुझे इंग्लिश नहीं आता, इसका डर हो सकता है कि मुझे इंग्लिश नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर इंग्लिश नहीं आता या कंप्यूटर नहीं आता या मैं लोगों से बातचीत नहीं कर सकता या मैं स्टेज पे जाके काम मतलब भाषण नहीं दे सकता, मतलब ऐसा ऐसा डर होना या वो नहीं कर सकना, ये प्रॉब्लम नहीं है। इसके जो सोर्स है कि मैं इन्फीरियर हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं कमज़ोर हूँ या मैं वीक हूँ या शक्तिहीन हूँ या मेरे में कुछ तो भी कमी है, वो लगना वो बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि उनके दिमाग के पीछे ये कंटिन्यूसली एक दिमाग में आवाज़ चलती रहती है, मतलब वो कुछ काम भी करेंगे ना तो उनके दिमाग में आवाज़ चलती रहती है कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं इतना अच्छा नहीं कर सकता। मतलब करेंगे सब कुछ, वो गाड़ी भी चलाएंगे, कंप्यूटर भी सीखना चालू करेंगे, इंग्लिश भी सीखना चालू करेंगे, मगर पीछे आवाज़ कौन सी है कि मैं कमज़ोर हूँ, मुझे इतना अच्छा आता नहीं है एंड मैं इतना अच्छा नहीं हूँ। तो हरदम उनको डर लगता है कि मैं गलती करूँगा, गलती करूँगा लोग मुझे क्या बोलेंगे, और गलती किया तो वो अच्छा नहीं दिखता। अभी ये जो है कि मैं कमज़ोर हूँ या मैं अच्छा नहीं हूँ, ये उनके सब जगह दिखेगा, मतलब सब लाइफ में, सब जिंदगी में, पूरी जिंदगी में जहाँ वहाँ दिखेगा, मतलब किससे बात करेंगे तो वहाँ दिखेगा, उनके धंधे में यही दिखेगा कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ, मेरे में काबिलियत नहीं है। वो सर्विस करते होंगे तो उनसे उनकी बॉस से पटेंगी नहीं, बॉस के साथ में कोई झंझट होगा, वो कहीं गाड़ी चलाएंगे तो उनका कुछ तो भी गड़बड़ हो जाएंगी, एक्सीडेंट करेंगे तो वो खुद को बोलेंगे नहीं मेरे वजह से ही ऐसा हो गया और मैंने कुछ तो भी गड़बड़ कर दिया इसलिए एक्सीडेंट हो गया। मतलब हरदम उनके दिमाग के पीछे चालू रहता है कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, मैं शक्तिहीन हूँ, मैं बलशाली नहीं हूँ, मैं मेरी क्षमता कम है, और इससे सब हो रहा है। वो अपने लक को, अपना जो नसीब है उसको दोष देंगे कि नहीं मेरा नसीब में ऐसा है, या फिर कुछ तो भी शनि पीछे लगा हुआ है, या फिर लोग मुझे कोऑपरेट नहीं करते हैं, या मतलब उनको ऐसा लगेगा कि आजू बाजू में क्या हो रहा है उसको वो दोष देते जाएंगे लोग कि भाई आजू बाजू में ऐसा हो रहा है इसलिए मुझे ये ऐसा अपयश आ रहा है, लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते, लोग मुझे मतलब मेरा फ़ायदा उठाते हैं, लोग मुझे सहायता नहीं करते इसलिए मुझे ऐसा होता है। एक्चुअली चल रहा क्या है कि भाई मैं इन्फीरियर हूँ, मैं एबल नहीं हूँ, वो कॉन्वर्जेशन दिमाग में चलते रहता है। इसमें करना क्या है, इसमें करना एक ही है कि ये कॉन्वर्जेशन जो है, ये जो अपने आप से जो बातचीत चालू रहती है, ये अंतर मन की जो आवाज़ है, ये जो सबकॉन्शियस माइंड में अपने आप से जो बातचीत ये लोग करते रहते हैं, उसको बाजू में रखना पड़ता है। ये कहीं से तो भी आई हुई बातचीत है, जब ये 2 साल के बच्चे थे तो ये नहीं था कि मैं कमज़ोर हूँ, कुछ तो भी उनके जीवन में हुआ, कुछ तो भी घटना हुई, वहाँ असफलता आ गई, अपयश आ गया, और उनको एक दिमाग में चर्चा चालू हुई, अपने आप से बातचीत चालू हुई कि मैं कमज़ोर हूँ और मुझे अभी ऐसे ही जीना पड़ेगा। तो ये बातचीत बाजू रखना, ये कॉन्वर्जेशन दिमाग में बाजू रखना और काम चालू करना, मतलब अंदर की आवाज़ जो है, जो छोटी आवाज़ है, वो यही बोलेंगे कि मुझे जमेगा नहीं, मुझे आएगा नहीं, मैं नहीं कर सकता, चालू रहेगा दिमाग में, और ये चालू होते हुए भी काम करना, चालू होते हुए भी कुछ ना कुछ काम की शुरुआत करना और वो काम सफलतापूर्वक पूरा पार करना, ये जरूरी है। और ये जो दिमाग में जो चल रही छोटी आवाज़, उसको बाजू में रखना जरूरी है, ये बाजू में रखते हैं और एक्शन लेना चालू करते हैं, कृति लेना चालू करते हैं, तो सफलता जरूर मिलेगी। ये आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो,
क्योंकि आपके आजू बाजू के काफ़ी सारे लोगों को यह कॉन्वर्जेशन दिमाग में होगा कि मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मेरे को इतना अच्छा आता नहीं है, मुझे ये जमेगा नहीं। बस ये कॉन्वर्जेशन, ये निगेटिविटी जो है सबकॉन्शियस माइंड की, ये बाजू में रख के ये वीडियो ये सुनते हैं तो ज़रूर उनको फ़ायदा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।